नमस्कार, यूथ का आनंद न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा शर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से। अमेठी नगर पंचायत के सभासद पद पर जीते हुए कुछ प्रत्याशी। खबर है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के नगर पंचायत अमेठी से, जहां पर निकाय चुनाव को लेकर हुई मतगणना। अमेठी नगर में कुल 12 वार्ड हैं। वहीं अमेठी जिले में 2 नगर पालिका परिषद और 2 नगर पंचायत हैं। अमेठी नगर पंचायत के सभासद पद के लिए इस बार हर वार्डों में कांटे की टक्कर हुई, जिसमें से कई वार्ड में पिछड़ा वर्ग महिला सीट थी तो वार्ड में सामान्य सीट थी। नगर पंचायत के 12 वार्डों में इस बार जबरदस्त मतदान हुआ था। अमेठी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हुई मतगणना, जिसमें से नगर पंचायत अध्यक्ष पद व सभासद पद दोनों की वोटों की काउंटिंग राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हुई। आपको बता दें कि अमेठी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 कटरा राजा हिम्मत सिंह व वार्ड नंबर 4 में सभासद पद के लिए कांटे की टक्कर हुई। वार्ड नंबर 3 में भाजपा आम आदमी पार्टी में टक्कर हुई, जिसमें से आम आदमी पार्टी से महिला सभासद प्रत्याशी मिथिलेश पत्नी राजेंद्र कुमार और भाजपा से प्रत्याशी सुधा कुमारी थी। आम आदमी पार्टी की महिला प्रत्याशी मिथिलेश ने भाजपा की प्रत्याशी सुधा कुमारी को 156 वोटों से करारी शिकस्त दी। भाजपा प्रत्याशी को आम आदमी पार्टी की महिला प्रत्याशी मिथिलेश से बुरी हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी की महिला प्रत्याशी मिथिलेश को कुल मत मिले 311 और भाजपा प्रत्याशी सुधा कुमारी को कुल मत 155 मिले। वार्ड नंबर 3 की नई सभासद बनी मिथिलेश। वार्ड नंबर 3 में आपकी झाड़ू पूरी तरह से चली और भाजपा प्रत्याशी को धूल चटाई। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान आम आदमी पार्टी से नव निर्वाचित महिला सभासद मिथिलेश ने कहा कि मैं अपनी वार्ड नंबर 3 की देवतुल्य जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और मैं अपने वार्ड नंबर 3 के लिए तन मन धन से काम करूँगी। उस दौरान सीमा सोना शांति समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। बात करें वार्ड नंबर 4 की तो वार्ड नंबर 4 इस बार कई प्रत्याशी मैदान में थे। वार्ड नंबर 4 से आम आदमी पार्टी से महिला प्रत्याशी कलावती, भाजपा से अरुण कुमार सरोज, निर्दलीय प्रत्याशी जिसमें से गीता सरोज, राकेश सरोज, श्रीराम थे। वार्ड नंबर चार में भी सभासद पद के लिए कांटे की टक्कर हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी से महिला प्रत्याशी कलावती और निर्दलीय प्रत्याशी गीता सरोज के बीच कांटे की टक्कर हुई। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी कलावती पत्नी कमलेश, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी गीता सरोज को एक बराबर मत मिला, जिसमें से आपकी कलावती को कुल मत 276 तो निर्दलीय प्रत्याशी गीता सरोज को भी 276 मत मिले। दोनों प्रत्याशी का मत बराबर होने के बाद में अमेठी प्रशासन ने टॉस करने का निर्णय लिया। टॉस के माध्यम से जीत हार का फैसला हुआ। टॉस के माध्यम से विजेता बनी आम आदमी पार्टी की महिला प्रत्याशी कलावती ने लिया जीत का सर्टिफिकेट। वार्ड नंबर 4 की नई सभासद बनी कलावती। भाजपा प्रत्याशी अरुण कुमार सरोज और अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा। जीत के बाद आम आदमी पार्टी की नव निर्वाचित वार्ड नंबर 4 की सभासद कलावती ने अपने वार्ड में डोर टू डोर जाकर अपनी वार्ड की जनता को धन्यवाद दिया। इस दौरान ज्योति, निर्मला, स्वाति, परवीन मौजूद रही। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की नव निर्वाचित सभासद कलावती एक गरीब परिवार से आती हैं। पहली बार कलावती ने पार्टी से चुनाव लड़ी। पहली बार आप से उन्होंने सभासद का चुनाव जीतने में कामयाब रही। वार्ड नंबर 8 निर्दलीय प्रत्याशी सबाना परवीन पत्नी कमरुल इस्लाम ने दूसरी बार लगातार जीत दर्ज की। 253 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी सबाना परवीन को ने चुनाव जीती। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी साइमुल निशा को 105 मत मिले। बात करें वार्ड नंबर 11 में सभासद पद के लिए कांटे की टक्कर हुई। वार्ड नंबर 11 में सामान्य सीट थी, जिसमें भाजपा से अवनीश सिंह, आम आदमी पार्टी से सद्दाम हुसैन और कई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें से बनिया वर्ग से निर्दलीय प्रत्याशी सत्यनारायण उर्फ सत्तू पनीर वाले, निर्दलीय प्रत्याशियों में से कुछ ब्राह्मण समाज से थे,
जिनमें से राकेश तिवारी, आशुतोष मिश्रा, अनिल त्रिपाठी। वार्ड नंबर 11 में सभासद पद के लिए बड़ी तगड़ी टक्कर हुई। भाजपा प्रत्याशी अवनी सिंह का मुकाबला निर्दलीय प्रत्याशी सत्यनारायण उर्फ सत्तू पनीर वाले से था। दोनों प्रत्याशी के बीच लड़ाई बड़ी दिलचस्प हुई। भाजपा प्रत्याशी ने निर्दलीय प्रत्याशी सत्यनारायण उर्फ सत्तू पनीर को हरा करके बने युवा नवनिर्वाचित वार्ड नंबर 11 के सभासद। विजेता बने भाजपा प्रत्याशी अवनीत सिंह तो उप विजेता बने निर्दलीय प्रत्याशी सत्यनारायण उर्फ सत्तू पनीर वाले। दूसरे स्थान पर रहे जीत के बाद में भाजपा प्रत्याशी अवनीत सिंह ने वार्ड नंबर 11 की जनता जनार्दन को आभार जताया। यह खास रिपोर्ट थी अमेठी से हमारे यूथ कॉर्नर न्यूज विशेष संवाददाता अंकित अग्रहरी की। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे यूथ कॉर्नर के साथ, धन्यवाद। नाम है आपका? मिथिलेश जी। आप किस वार्ड से चुनाव लड़ी थी? वार्ड नंबर 3 से। किन मुद्दों के लेके आप चुनाव लड़ी थी? इस मुद्दों के लेके मैं चुनाव लड़ी थी कि वार्ड नंबर 3 की जो गंदगी है, नालियां हैं और खड़ेंगा है, गड्ढे गुड्ढे हैं, इसके पानी निकासी के लिए लेके चुनाव मैं लड़ी थी। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ी थी? आम आदमी पार्टी से मैं चुनाव लड़ी थी। यह जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगी? जीत की श्रेय मैं दूंगी जनता और जनार्दन वार्ड नंबर 3 के जनता के लिए। मैं आशीर्वाद और धन्यवाद देना चाहूँगी।